दोस्तों अत्यंत चिंता का विषय है कि जो आज लगभग 6 दशकों से नहीं हुआ वो हमारे नाक के नीचे इतने सारे वक्तव्यों, राष्ट्रवाद की सीख और जुमलेबाजी के दौरान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की समिति में, सुरक्षा समिति में आज 7:30 बजे लगभग, और सरकार देख रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि शुरुआत से हमारी विदेश नीति भारत सरकार की नीति का एक अभिन्न स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो बदला नहीं जा सकता कि ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तो दूर या तो पारस्परिक बायलैटरल हैं, और इस केस में अगर हम कानून बदलते हैं तो आंतरिक हैं, बायलैटरल भी नहीं है। एक तरफ तो ये बायलैटरल भी नहीं है और एक तरफ आप इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, और क्या ये आपके डिप्लोमेटिक पूरी तरह से पूर्णतः असफलता नहीं दर्शाता? क्या आपके सुरक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक मुद्दों में आपकी घोर असफलता नहीं दर्शाता कि आप एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्री को चीन भेजते हैं इसी विषय के लिए, चीन में विदेश मंत्री जी बैठकर बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, और उनके नाक के नीचे, भारत सरकार के नाक के नीचे चीन पीछे से जाकर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये समिति की मीटिंग पूरी तरह से संयोजन कर लेता है, और आज 7:30 बजे वो हो रही है। मैं आपके समक्ष जो सर्वविदित है वो दोहराना चाहता हूं, क्योंकि सर्वविदित चीजों का आजकल भंग हो रही है, उनका खंडन हो रहा है। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अक्षुण्ण अंग है। जम्मू और कश्मीर के विषय में इसके विपरीत, इसके विरोध, जहां तक भारत का सवाल है, कोई व्यक्ति विशेष, संस्था, कोई देश नहीं कह सकता। इस विषय में भारत का स्टैंड दशकों से स्पष्ट है, और अगर उसमें लेश मात्र भी बदलाव इस प्रकार से किया जा रहा है, और ये स्टैंड दोहराया गया, विरोध बावजूद लिखा गया, हस्ताक्षर हुए शिमला एग्रीमेंट में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, तो ये आज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा है? ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये अवसरवादिता नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री को के फोन उठाएं, और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे जितने मित्र हैं उनके जरिए इस मीटिंग को निरस्त करवाएं, कैंसिल करवाएं तुरंत। और मैं अपनी बात अंत करने से पहले ये कहूंगा स्वतः ही कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद वो सभी ताकतें जिनका काम है ये चीज कहना शुरू कर देंगी, कहना कि राष्ट्र विरोधी हैं, गैर राष्ट्रीय हैं, एंटी नेशनल हैं। तो मैं विनम्रता से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कसौटी पे आपकी राष्ट्र विरोधी, इस कसौटी पे तो आप कहीं कल वाजपेयी जी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहना शुरू कर दें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कैसे हिम्मत कर ली इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने की, वो तो राष्ट्र विरोधी बातें हो गई आपकी परिभाषा से, मैं नहीं कह रहा हूं। वाजपेयी जी की बस यात्रा तो उससे बड़ा राष्ट्र विरोध था, और आपका खुद माननीय प्रधानमंत्री, आपकी सरकार का इंटरलोकेटर जो बातें कर रहे थे सबसे, चाहे हरियत या चाहे गैर हरियत, हुरियत, वो भी क्या राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। और मैं अंत में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आपकी गठबंधन विवाह हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जिसके विषय में आपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस हस्ताक्षर किए थे पीडीपी के साथ, बड़े अद्वितीय कारण रहे होंगे इसके लिए, इट विल बी द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस लिखा था इसमें, तो ये तो पूरा राष्ट्र विरोधी हो गया अगर, क्योंकि इसमें तो आपने विशेष स्टेटस की बात की है, सांविधानिक प्रावधानों की बात की है, इसकी कॉपी आप देख सकते हैं,
इसमें आपने रिकंसिलिएटरी एनवायरनमेंट, बिल्ड स्टेक्स इन द पीस एंड डेवलपमेंट, सोसाइटी एक्सचेंजेस, ट्रैवल, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, और सबसे जरूरी कहा था कि मीनिंगफुल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स. मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है. और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आप ही ने 15 और 16 में पांडे जी को इंटरलॉक्यूटरी बनाया था, बाद में आर एन रवि को बनाया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड के विषय में एनएससीएन से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे आपने. तो ये भी तो, बल्कि ये तो दो प्रकार की सॉवरेंटीज की बात करता है, ये तो पूरा ही राष्ट्र विरोधी है. नागालैंड में तो वार्तालाप के दौरान एक समय तो भारत की अक्षुण्णता और प्रभुत्ता को भी मानने को तैयार नहीं थे, वहां भी आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया. तो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप ये न समझें कि हम अपनी बात रखने से झिझकेंगे. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप अकबर इलाहाबादी के बड़े प्रसिद्ध वाक्य को, मुहावरे को उल्टा सिद्ध कर रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. इस प्रकार की आडंबर नहीं चलेगा. आज की मांग, आज की स्पिरिट ये है कि ये एक अद्भुत चीज जो हो रही है इस सरकार के नाक के नीचे, उसको तुरंत रोका जाए. धन्यवाद. देखिए, मेरा आज विषय भिन्न है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में विषय है, मुझे इससे कोई खास संबंध नहीं है. लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि ये आपने जो वाक्य बोला एग्जैक्टली यही वाक्य हूबहू बिना एक कॉमा फुल स्टॉप के बदलाव के शायद ये पूरा देश एक हफ्ते से सुन रहा है. सिर्फ बोलने वाले बदल सकते हैं. आज चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कल गवर्नर ने कहा, परसों सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कल यानी आने वाले कल में एक चौथा व्यक्ति कहेगा. तो आप हमको कोट करते रहेंगे, देश सुनता रहेगा, जब होगा तब बात करेंगे. Look, everybody knows that the whole country, including every person in this room and the Congress party, stands behind the nation and behind the government. As far as our defense is concerned, as far as our sovereignty is concerned, and in particular as far as our nuclear policy and nuclear use issues are concerned. So I have nothing to say except to hear what you have said, but to additionally remark that if by this somewhat ambiguous statement the Honorable Home Minister intends to either keep us, Honorable Defense Minister either intends to keep us guessing or seeks to announce a change in policy, then the country would be happy to know what the new policy is, not in ambiguous half phrases but in a full one paragraph declared policy. And I can assure you that whatever is the policy, we will welcome it and stand behind it. But at least do not do word play on something as vital and important as nuclear policy. मैं आपके प्रश्न के विषय में ये स्पष्ट कर दूं कि इस देश का हर नागरिक, हर राजनीतिक पार्टी, इस कमरे में हर व्यक्ति इस बात से 100% सरकार के पीछे खड़ा है, देश के पीछे खड़ा है. जहां तक रक्षा सुरक्षा की नीति है, जहां तक न्यूक्लियर नीति का सवाल है. लेकिन साथ साथ मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री या तो कोई रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं और या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं, तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट देश को बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है. वो आश्वस्त रहें कि देश और हम उसका स्वागत करेंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे. लेकिन ये एक बहुत गंभीर और व्यापक बात है जो परोक्ष रूप से मुहावरों में कम्युनिकेट नहीं की जा सकती. इसमें स्पष्टता और व्यापकता चाहिए.
जिसके लिए मैं मांग करूंगा और अनुरोध करूंगा। तो स्वतंत्र देश है, इसमें क्या पारित है, एक नीति देश ने उसको पारित किया है, संसद ने पारित किया है, इसमें आपका क्या प्रश्न है? हम लोग संसद में जो नहीं भी मानते हैं, जो उसका विरोध भी करते हैं, उनको भी अनुसरण करना पड़ता है, कोई कानून है इस देश का भी, तो इसमें आप क्यों नई बात समझ रहे हैं? निश्चित रूप से गणतंत्र लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना रुख और अपना मत रखने का अधिकार क्षेत्र है। उसी प्रकार से जो या तो उस नीति का विरोध करता है, या जिस तौर तरीके प्रोसीजर से नीति लाई गई, या अगर उसमें कोई गैरकानूनी तत्व है उसकी बात करता है, तो उसका भी अधिकार क्षेत्र वैसा ही है। मैं नहीं समझता कि कोई भी आपत्तिजनक बात कही गई है, न प्रधानमंत्री ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, न पी चिदम्बरम ने उसका समर्थन करते हुए कही है। मैं नहीं समझता कि हमने इस पोडियम से इन तीन नीतियों का कभी भी कोई निंदा की है। प्लास्टिक के यूज की प्रतिबंध करना कोई निंदा कर सकता है क्या? पर्यावरण को स्वस्थ रखना, जनसंख्या को कंट्रोल करना, सबसे पहले जनसंख्या के कई सारे नीति राय थे इस देश में, कांग्रेस सरकारें लाई हैं। तो विकास की बातें, हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि विकास की बातें करने में, विकास की घोषणाएं करने में माननीय प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। हम थोड़ा ये भी चाहेंगे कि कार्यान्वित करके दिखाएं, नहीं तो नीतिगत रूप से इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ओके, थैंक यू।